हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल शिकमपुर की रेसिपी। शिकमपुर बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक कुकर, उसमें लेंगे 750 ग्राम्स धुला हुआ बोनलेस साफ मटन, 1 टेबलस्पून चना दाल, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो। शाहजीरा 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 पीसेस, 4 पीसेस लौंग के और 6 पीसेस खरीब काली मिर्च के दाने। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा लें मिर्च की। हाफ कप कोरिएंडर लीव्स और हाफ कप ही है मेंट लीव्स, 4 ग्रीन चिलीज लेंगे और सॉल्ट 1 टीस्पून या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून और 2 टेबलस्पून ऑयल, हाफ ग्लास वाटर। हम ये सब डाल के प्रेशर कुकर को लॉक कर देंगे। ये मेरा इलेक्ट्रिक कुकर है तो इसमें ये अपने आप टाइम सेलेक्ट कर रहा है 40 मिनट्स। हो गया है हमारा 40 मिनट्स और हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, थोड़ा पानी है तो उसे सुखा लेंगे और साइड में रख लेंगे। गोश्त और दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब लेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 1 टेबलस्पून पीनट्स, 1 टेबलस्पून खसखस। आप खोपरा और फली की जगह काजू और बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे, फ्रेश ग्रीन चिलीज का फ्लेवर अच्छा लगता है। इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब जो हमारा मटन है जो ठंडा हो चुका है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद डालेंगे हम कर्ड। पानी नहीं होना चाहिए दही में। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे। और फिर से हम इसकी फिलिंग बनाने के लिए 1 कप हंग कर्ड लेंगे और इसमें डालेंगे सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट। 1 कप ऑनियन है जो ऑमलेट कट यानी चॉप की हुई है और 1 कप जो है जिन कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स का है। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके। अब ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, हम इसे साइड में रख देंगे। और जो हमारा मटन का जो मिक्सचर है उसमें से दालचीनी वगैरह अगर पिसा हुआ नहीं है तो निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी बर्तन में लेकर गूंद सकते हैं। अब हम इसका एक बॉल लेंगे, हाथों पर पहले ऑयल लगाएंगे, अच्छी तरह से हाथ ग्रीस करने के बाद ये हम एक बॉल लेकर इसे फ्लैट कर रहे हैं और उसमें फिल करेंगे हमारी फिलिंग और इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो दाल की क्वांटिटी को बढ़ा लें, उसे पैकिंग करने में आसानी हो जाएगी। अच्छी तरह से पैक करने के बाद सभी इसी तरह से फ्राई साइड में रख लेंगे बनाकर। ये देखिए मेरे बन गए हैं, 6 बने हैं मेरे। 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे पैन में या फिर तवे पर, इस तरह से इसे डालना है थोड़ा सा फिराते हुए तो ये चिपकेंगे नहीं। इसे शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई करना नहीं है। और ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। आप इसे दाल चावल के साथ या
मैं खलिए के साथ, खट्टे सालनों के साथ, रोटी से या फिर चावल से आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, ज़रूर ट्राई करें।